हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्लॉक या घड़ी। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है इसका, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि घड़ी की सुइयाँ कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कब एक दूसरे से मिलती हैं और कब आपस में समकोण बनाती हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देख लीजिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स घड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, तो वो पहला पार्ट देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, और घड़ी के जो वाटर इमेज के क्वेश्चन बनते हैं या मिरर इमेज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए आपको कोई भी टाइम दिया गया है, मान लीजिए आपको समय दिया गया है 9:25। ठीक है, तो 9:25 पर अगर आप घड़ी में देखें तो सुइयों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। घंटे की सुई होती है 9 पर और मिनट की सुई होती है 5 पर। ठीक है, तो 9:25 हो रहा होता है, तो हमें ये कोण बताना होता है। ठीक है, तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की मिनट की दूरी निकाल लें तो हम आराम से कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के मिनट की दूरी कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे देखिए, 5 से 6 के बीच में यानी 2 डिजिट के बीच में मिनट का कितना होता है? 5 मिनट। 5 मिनट ये हो गया, 5 10 5 15 5 20, 20 मिनट का डिस्टेंस है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट आया। ठीक है, तो 4 5 20, 20 मिनट का डिस्टेंस है। तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 120। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो मिनट वाली सुई है ये 12 पे होगी जब 9 बज रहा होगा, और जब 12 से 5 पे आएगी 9:25 जब तक होगा तब तक ये जो 9 पे सुई है ये एग्जैक्ट 9 पे नहीं होगी। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 9 पे हो तब तो 120 डिग्री कोण आ जाएगा। एग्जैक्ट 9 पे सुई हो और एक सुई 5 पे हो तब तो 120 डिग्री का कोण हम निकाल लेंगे, लेकिन ये सुई भी तो कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी, मान लीजिए यहाँ कहीं पे होगी, तो ये कितना आगे बढ़ चुकी होगी? आप जानते हैं घंटे वाली जो सुई होती है वो कितना चलती है? एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। तो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो यानी कि ये 25 मिनट की दूरी, जब तक मिनट की सुई तय करेगी तब तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 25 × 1/2 कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 20 मिनट को 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 5 से 9 बजे के बीच में मिनट की दूरी पता करनी थी, और यहाँ पे हमें ये देखना है 9 बजे से जब तक 25 मिनट हुआ तब तक ये दूरी, ये सुई घंटे वाली जो है ये कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 मिनट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को, तो 25 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12.5। ठीक है, तो अब ये 120 और 12.5 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 132.5। तो यानी कि इसका जो कोण बनेगा वो 132.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हमें इसके थ्रू नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि मैं एक और उदाहरण लेता हूँ इसके थ्रू ही सॉल्व करने का। मान लीजिए 2:45 हो रहा है, 2:45 हो रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्यों नहीं सॉल्व करना है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो 2:45 पे घंटे की सुई होगी 2 पे और मिनट की सुई होगी 9 पे। ठीक है,
तो 2:45 हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा कोण बताना है? हमें यहाँ पे ये कोण बनाना है। हमेशा जो है अंतः कोण बताना होता है, ठीक है। अंतः कोण बताना होता है, ना कि बाह्य कोण। अंतः कोण क्या होता है? जो कोण 180 डिग्री से कम होगा, जब घड़ी की हम बात करेंगे तो 180 से डिग्री से कम जो कोण होगा, यानी एक सीधी लाइन से जो कम कोण होगा वो अंतः कोण होगा। ये वाला जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। तो हमें ये वाला कोण बताना होगा, ठीक है। तो हम जो तरीका अभी फॉलो कर रहे थे उससे हमें ये वाला कोण मिलता है, तो हमको यहाँ से ये वाला कोण मिलेगा। और इसको निकालने के लिए हम इसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो पूरा कोण होता है ये यहाँ तक पूरा ऐसे ये 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम बाह्य कोण हमें पता है तो हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो अंतः कोण आ जाएगा। अंतः कोण पता है हमें, बाह्य कोण निकालना है तो हम 360 से माइनस कर देंगे, बाह्य कोण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाह्य कोण निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, अब मान लीजिए हमें ये बाह्य कोण निकालना है, ठीक है। तो अभी घंटे की सुई है 2 पे और अब मिनट की सुई है 9 पे, तो मिनट की डिस्टेंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35, 35 मिनट का डिस्टेंस है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 और 6 3 18, 3 21, 210 डिग्री का कोण, कोणीय दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है। और लेकिन जब तक ये 12 से 9 पे सुई आएगी मिनट की, 45 मिनट की दूरी तय करेगी, तब तक ये 2 वाली जो सुई है ये लगभग यहाँ कहीं पे आ चुकी होगी, 3 के एकदम आसपास आ चुकी होगी, कि क्योंकि 2:45 का मतलब है 2:45 हो रहा है, बस 15 मिनट बाद 3 बज जाएगा, तो एकदम 3 के पास में होगी। तो ये हम लोगों ने पिछली बार जो निकाला था, जो दूरी निकाली थी हम लोगों ने जोड़ा था, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी घंटे की सुई हम निकालते हैं, तो 45 को हम 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है, तो 45 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 45 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 22.5 आ गया, ठीक है। तो 22.5 को अगर हम 210 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये देखिए कोण है 210 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे सुई है कम से कम, यहाँ पे लगभग है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये तो कम हो गया ना, अगर इधर सुई होती तब हम जोड़ते, जब सुई इस तरफ है तो हम इसमें घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे इस तरह फॉर्मूल अगर हम सॉल्व करेंगे, या कई ट्रिक्स हैं ऐसी जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स आपको हो सकती है, कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे घटाना है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। फिलहाल हमें मालूम है यहाँ घटाना है तो हम घटा करके कर सकते हैं, 210 से 22.5 हम माइनस करेंगे, यहाँ 0 से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 10 से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 0, 0 से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1, 1 से कुछ नहीं जाएगा तो बचेगा 1, ये हो जाएगा 187.5। ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो ये वाली सुई है यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा ये 187.5 का होगा, और यहाँ से यहाँ तक की कोण की बात करें तो 210 डिग्री है, ठीक है। तो ये 187.5 हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हमें कोण हमेशा अंतः कोण बताना होता है, जब क्वेश्चन में अलग से दिया गया हो कि बाह्य कोण आप बताइए या अंतः कोण बताइए, तब तो आप अंतः कोण या बाह्य कोण बताएंगे, लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो हमेशा आपको अंतः कोण बताना होता है 180 डिग्री से कम वाला। तो यहाँ पे 187 है, 180 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अंतः कोण हमको निकाल करके अंतः कोण बताना होगा, ठीक है। तो इसको हम 360 से माइनस करेंगे, 360 से माइनस करेंगे 187.5 को, तो यहाँ 10 से 5 जाएगा
बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 से 7 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 से 8 नहीं जाएगा, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया, यानी 172.5। ये जो अंता कोण है 172.5, ये कहाँ से कहाँ तक का है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए यही 9.25 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है एम इज्कवल टू 2/11 फिर ब्रैकेट फिर एच इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। इसी फॉर्मूले का आपको हमेशा यूज करना है, आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत हो नहीं सकता। ठीक है, और बाकी जो ट्रिक्स आपको यूट्यूब में बहुत सारी मिल जाएंगी, उसमें भी ये सारी कन्फ्यूजन होती, कुछ सवाल के आंसर आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, फंस जाते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का यूज हमेशा करिएगा, कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे एम क्या है? एम है मिनट, एच है घंटा। ठीक है, तो टाइम क्या है? 9:25। ठीक है, 9:25 टाइम है, तो हम निकालते हैं। यहाँ पे मिनट की जगह हम क्या रखेंगे? 25। 25 इज़क्वल टू 2/11 और एच, एच कितना है? यहाँ पे घंटा रखेंगे, यानी 9, एच है 9 और एच इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा हमें निकालना है, तो अब यहाँ पे 25 इज़क्वल टू 2/11 अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2/11, सॉरी यहाँ 25 है और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 270 को, तो होगा 540। ठीक है, और 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, प्लस माइनस 2 थीटा और ये 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 25 इज्क्वल टू 540 प्लस माइनस 2 थीटा/11 ये आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 540 प्लस माइनस 2 थीटा इज्क्वल टू 25। ठीक है, और ये जो यहाँ 11 है इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 11 हो गया। तो अब क्या है, 25 इंटू 11 करेंगे तो 11 पच्ची 55 की 5 और 11 दूनी 22, 5 27, ये हो गया 275। ठीक है, तो 2 थीटा प्लस माइनस 2 थीटा 275 और ये 540 हम इधर लाएंगे, ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 540 से 275 माइनस करना पड़ेगा और माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ 0 से 5 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, 10 से 5 माइनस करना पड़ेगा कैरी लेके, तो 10 से 5 गया बचा 5। ठीक है, और यहाँ बचा 3, 3 से 7 जाएगा नहीं, यहाँ भी कैरी लेना पड़ेगा, हो जाएगा 13, 13 से 7 जाएगा बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ बचेगा 4, 4 से 2 जाएगा तो बचेगा 2, ये आ गया 265। 265 क्या है? 2 थीटा। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? थीटा इज इक्वल टू 265, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 को सॉरी 265 को 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 132.5। यही आंसर हम लोगों ने इस मेथड से भी निकाला था, 9:25 वाला। ठीक है, तो 132.5 इसका आंसर आ जाएगा। और अभी हम ये जो अभी दूसरा हमने सॉल्व किया था 2:45 वाला, वो भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो टाइम है 2:45, फॉर्मूला है एम इज़क्वल टू 2/11 एच इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो एम कितना है? 45
मिनट है 45, 2/11 और आवर कितना है, 2 × 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 45 इक्वल टू यहाँ 2/11 हो जाएगा, अंदर 30 × 60 प्लस माइनस थीटा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इक्वल टू 60 × 120 और प्लस माइनस 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2θ/11 ये हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 प्लस माइनस 2θ इक्वल टू 45 × 11, इधर अगर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 45 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी समय, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 44 और 5 = 49, ठीक है। तो ये हो गया 495। तो प्लस माइनस 2θ की वैल्यू अगर निकालें तो 120 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 495 से 120 माइनस होगा, कितना बचेगा, 495 से 120 माइनस होगा, ये बचेगा 5, और 9 से 2 गया 7, 4 से 1 गया 3, ये हो गया 375, ठीक है। और ये है 2θ, अगर हमें थीटा निकालना है तो 375 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ बचा 1, तो ये हो गया 17, 2 × 8 = 16, ठीक है। और फिर बचा 1, 2 × 7 = 14 और 0.5, ये आंसर आ जाएगा 187.5, ये जो कोण हम लोगों ने निकाला था 187.5, ये बाह्य कोण है क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हम 360 से माइनस कर देंगे, 360 से 187.5 को माइनस करेंगे तो वही 172.5 आएगा, यहाँ 172.5 है, ठीक है, क्योंकि 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 गया, सॉरी 9 से 7 गया 2, और ये है 5, 5 से 8 नहीं जाएगा, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया 1, 172.5, ये इसका आंसर हो जाएगा अंतः कोण। तो हमेशा अंतः कोण मैंने आपको बताया, अंतः कोण आपको बताना होगा, जब क्वेश्चन में स्पेशल दिया गया हो कि बाह्य कोण आप बताइए, तब आप बाह्य कोण बताइएगा 180 से ज़्यादा डिग्री वाला, ठीक है। दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 4 से 5 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर से बोल दे रहा हूँ, 4 से 5 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 4 बजे से 5 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण की बात करें तो 60 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए 4 बज रहा है, ठीक है, तो एक कोण तो इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि एक कोण जब ये 12 से सुई आ रही होगी, 4 को क्रॉस नहीं की होगी, उससे पहले ये कोण बनेगा 60 डिग्री का, और एक जब क्रॉस करके जा रही होगी तो बाद में एक 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हमें दोनों कोण निकालने होंगे, तो कैसे दोनों कोण हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं। m इक्वल टू क्या है, 2/11 h यहाँ पे दिया गया है 4, क्योंकि 4 बजकर ही कुछ मिनट होगा, ठीक है। तो पहला टाइम हमेशा लिखते हैं 4 × 30 और प्लस माइनस थीटा कितना दिया गया है 60, 60 डिग्री। एम हमें निकालना है 4 बज के कितना मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2/11 यहाँ 30 × 6 = 120 प्लस माइनस 60, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो कितना होगा, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 प्लस माइनस, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
120, ठीक है, बटे 11। तो इसके दो आंसर आएंगे, तो एक बार हम लोग प्लस करके निकालेंगे, एक बार माइनस करके निकालेंगे, बस दो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम प्लस करके निकालते हैं, 240 को 120 में प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 0, 4 2 6 और 2 1 3, 360 हो गया। 360 को 11 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 11 तीन 33 बचा 3, ये हो गया 30, तो 11 दूनी 22, दो बार जाएगा, फिर 8 बचेगा तो 32 सही 8/11, तो ये हो गया 32 सही 8/11। तो पहला आंसर क्या आ गया, 4:32 सही 8/11 मिनट। तो ये वाला आंसर लगभग आ गया, ठीक है। और दूसरा आंसर अभी हम लोगों ने प्लस किया था, अब माइनस कर लेते हैं, 240 से 120 माइनस करेंगे तो होगा 120, ठीक है, 120/11। अब 120 को 11 से भाग कर दीजिए, 11 दहम में 110, ठीक है, बचा कितना 10, तो 10 सही 10/11, तो यानी कि आंसर होगा 4:10 सही 10/11 मिनट। ये इसका दोनों आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है 8 से 9 बजे के बीच 130 डिग्री का कोण कब बनेगा, 130 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। तो इसको निकालना हो तो इसको भी हम सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एम इजक्वल टू 2/11 एच इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो एम क्या है, एम निकालना है हमें, क्योंकि 8:00 पर ही ऐसा होगा, जब 8 से 9 के बीच में पूछा गया है, 9:00 पे नहीं होगा, क्योंकि 9:00 पे होगा तो वो 9 से 10 के बीच में आ जाएगा, तो 8:00 पे होगा, तो वो मिनट हमें कितना होगा वो निकालना है। एम इजक्वल टू 2/11, यहाँ आवर की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 8, पहला टाइम हमेशा लिखेंगे क्योंकि 8:00 पर ऐसा होगा, ठीक है। तो 8 × 30 प्लस माइनस कितना थीटा दिया गया है, यहाँ पे 130 डिग्री कोण दिया गया है, तो यहाँ पे 130 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो एम इजक्वल टू 2/11 और ये 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 240 हो जाएगा प्लस माइनस 130। तो यहाँ पे देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2 से 240 को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 480, ठीक है, प्लस माइनस 2 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 260, ठीक है, अपॉन 11। एम इजक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमेशा आपको माइनस करना है, ये अगर बड़ा अंक है तो इधर वाला छोटा है तो आप बड़े वाले छोटे वाला माइनस कर दीजिए, अगर ये छोटा है ठीक है तो ये बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, इससे अच्छा आप उसे जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन है, प्लस माइनस दोनों ऑप्शन है तो आप जोड़ दीजिए, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं 480 से 260, 0 से 0 माइनस होगा 0 बचेगा, और 8 से 6 माइनस होगा बचेगा 2, 4 से 2 माइनस होगा बचेगा 2, तो ये हो गया 220/11, ठीक है, एम इजक्वल टू 220/11। अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22 और ये 0 उतार लेंगे, ठीक है, तो ये 20 एम की वैल्यू आ गई, मिनट हो गया 20, तो यानी कि 8:20 पर 130 डिग्री का कोण बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8:20। दोस्तों अब बात करते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चंस की। तो मिरर इमेज में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी कोई चीज़ हम मिरर में देखते हैं तो जो चीज़ दाएं होती है वो बाईं तरफ दिखाई देती है, जो बाईं तरफ होती है वो दाईं तरफ दिखाई देती है, ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 12 है
तो 12 यहीं पे रहेगा, 6 यहाँ पे है तो 6 यहीं पे रहेगा। कोई सुई 12 पे है मान लीजिए, ये डॉटेड घड़ी है, इसमें मान लीजिए नंबर नहीं पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 होता है, और कोई सुई 12 पे है तो वो 12 पे ही दिखाई देगी मिरर में भी, ठीक है, और कोई सुई 6 पे है तो मिरर में भी 6 पे ही दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आधार हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, 12 और 6 बजे के बीच जो लाइन है ये बेस हो जाएगी, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कोई भी टाइम दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है 3 बजे या 2 बजे मान लेते हैं, तो 2 बजे ये है, तो अब हमें ये देखना है कि बेस से ये कितना दाईं तरफ है, तो ये बेस है 12, 12 से कितना दाईं तरफ है, 1, 2, 2 पॉइंट दाईं तरफ है, तो इसको 2 पॉइंट बाईं तरफ करना होगा जब मिरर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस है 12, इसे 1, 2, 2 पॉइंट हम लोगों ने बाईं तरफ कर दिया, तो अगर 2 बजा हुआ प्रतीत होगा रियल टाइम, ये रियल टाइम की घड़ी है, ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो अगर 2 बजा हुआ प्रतीत होगा, सॉरी 2 बजा हुआ होगा रियल टाइम, तो मिरर में आपको 10 बजा हुआ प्रतीत होगा, घड़ी जो घंटे की है वो 10 पे ही दिखेगी, लेकिन जो 12 पे सुई है वो 12 पे ही दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कोई और टाइम सेलेक्ट करते हैं, 4 बजे का टाइम, या इधर 8 बजे का हम टाइम सेलेक्ट करते हैं, तो 8 बजे का टाइम है, ठीक है, तो ये आधार से कितना ऊपर है, ये भी आधार है 6 बजे, तो 6 से 1, 2, 2 पॉइंट ऊपर है, तो 2 पॉइंट हम लोग बाईं तरफ है तो दाईं तरफ कर देंगे, तो यानी कि ये 4 बजा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अगर 8 बजा है तो ये 4 बजा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि 12 पे जो सुई है वो 12 पे ही रहेगी, ठीक है। और इसी तरह से कोई और टाइम मान लीजिए दिया गया है, इन सब के अलावा मिनट वाला टाइम दिया गया है, 3:30 बजे दिया गया है, तो 3:30 पे, 3 पे तो सुई रहती नहीं घंटे वाली, 3 और 4 के बीच में रहती है, ठीक है, और ये वाली सुई 6 पे ही रहती है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका मिरर इमेज कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आधार से अगर हम बात करें तो 1, 2 और 2.5, 1, 2 और 2.5, 2.5 डिजिट पीछे होगा यानी बाईं तरफ, ठीक है, तो बाईं तरफ करेंगे 1, 2, 2.5, तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, लेकिन मिनट वाली सुई यहीं पे होगी 6 पे, क्योंकि 6 है बेस, ठीक है। तो अगर घड़ी में 3:30 बज रहा होगा रियल टाइम, तो मिरर में कितना बजा हुआ प्रतीत होगा, 8:30 बजा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये घड़ी वड़ी बना के नहीं हमें निकालना है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दिया है। आपको मैं एक बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप आसानी से बस 2 सेकेंड में आप निकाल लेंगे, कोई भी मिरर इमेज टाइम दिया गया हो या कोई रियल टाइम दिया गया हो, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्या करना है आपको, आपको हमेशा 24 घंटे में से अगर मिनट नहीं दिया गया है तब, तो यहाँ पे हम 24 घंटे में से जो टाइम हम लोगों ने पहले निकाला था 2 बजे वाला, 2 बजे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में से माइनस करना है, अगर टाइम इस तरह से दिया गया हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, ऐसा जिसमें मिनट ना दिया हो, तो 24 से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 से गया 0, 0, 0, और 24 से 2 गया तो बचा 22। तो आप सभी जानते होंगे ये 24 घंटे का फॉर्मेट है, तो 24 घंटे के फॉर्मेट में 22 जब बचता है तो 12 घंटे के फॉर्मेट में कितना बचता है, बहुत लोगों को पता होगा कि 10 बचता है, नहीं पता है तो आप इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 22 से 12 माइनस करेंगे होगा 10, ठीक है, तो 10 बचता है। तो अगर रियल टाइम होगा 2 बजे, तो मिरर इमेज टाइम अगर हम देखेंगे तो वो 10 बजा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, मिरर में जब देखेंगे। अगर मान लीजिए मिरर टाइम दे देता है कि 2 बजा हुआ है, आप इसका रियल टाइम बताइए, तो भी आपको सेम प्रोसीजर करना है, इसी तरह से
तो मिरर टाइम अगर 2 बजे है तो भी रियल टाइम 10 बजे आएगा, ठीक है। दोस्तों अब मान लीजिए मिनट भी दिया गया है घंटे के साथ में, तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो अभी हम लोगों ने 3:30 बजे का निकाला था, वही निकाल के देखते हैं। तो हम लोग 24 घंटे में से यहाँ पे नहीं घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे। हालांकि 23:60 भी 24 घंटे ही होता है, तो 23:60 से हम लोग कितना घटाएंगे? 3:30 बजे को जो रियल टाइम दिया गया है, 3:30, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 0, 6 से 3 गया 3, और 23 से 3 गया, कितना बचा? 20। तो 20:30, 20 कितने बजे बचता है? 12 घंटे के फॉर्मेट में 8 बजे। आप चाहें तो 12 से माइनस कर लीजिए, तब भी वही आएगा। तो 20:30 यानी 8:30, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। या कोई भी टाइम हो, 2:45 है, तो भी आप इसको 23:60 से माइनस कर देंगे, 23:60 से। तो 60 से 45 गया, बचा 15, और 23 से 2 गया, बचा 21। तो 21 कितना होता है? 9:15, ठीक है, ये 9:15 हो जाएगा। दोस्तों 24 घंटे या 23:60 की बजाय आप 12 बजे या 11:60 से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल एक दिक्कत आती है, अगर 12 बजे से 1 बजे के बीच का टाइम पूछा जाए तो माइनस करने में दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग 24 घंटे से या 23:60 से माइनस करते हैं। तो अगर इसके अलावा कोई टाइम दिया गया है तो आप डायरेक्ट 12 बजे से या 11:60 से माइनस कर सकते हैं। तो 12 बजे से कब माइनस करेंगे? जब मिनट ना दिया हो। मान लीजिए 7 बजे का दिया गया है, तो 12 बजे से आप 7 बजे को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 0, 12 से 7 गया 5, ये 5 बजे आ जाएगा मिरर इमेज, और ये हो गया रियल टाइम, सॉरी ये 7 बजे हो गया रियल टाइम। दोस्तों अगर मिनट दिया हो तो हम 11:60 से माइनस करेंगे। मान लीजिए कोई भी टाइम है, 5:20 ले लेते हैं, 5:20। तो दोस्तों इसको भी 12 से माइनस हम कर सकते थे, 11:60 क्यों करते हैं ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम 12 से माइनस करते, ठीक है, तो यहाँ 0, 0 से 20 तो जाएगा नहीं, हमें यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। तो ये घंटा है, ये मिनट है, तो हम 1 घंटा कैरी लेंगे, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो ये ऑटोमेटिक 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 घंटा लेने में ये 60 मिनट हो जाएगा, यहाँ से 1 घंटा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 से 11, ठीक है। तो 11:07 इस तरह से ये आ जाता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे ही 11:60, इसीलिए मिनट दिया हो तो 11:60 से आप माइनस करिए, तब आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो 60 से 20 गया, बचा 40, ठीक है, और 11 से 5 गया, बचा 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6:40, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वाटर इमेज क्वेश्चंस की। तो वाटर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इससे पहले हम लोगों ने मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो चीज़ दाईं तरफ होती है वो बाईं तरफ हो जाती है, जो बाईं तरफ होती है वो दाईं तरफ हो जाती है, ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वाटर इमेज में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ऊपर और नीचे में फर्क पड़ता है, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे हो जाती है, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है, और बाएं और दाएं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ बाईं तरफ है वो बाईं तरफ ही रहेगी, जो चीज़ दाईं तरफ है वो दाईं तरफ ही रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए 9 है यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे है, तो ये 9 यहाँ पे दिखेगा वाटर इमेज में भी, ठीक है, क्योंकि ये बाई तरफ है सीधा, तो ये भी बाई तरफ ही दिखेगा, और 3 भी जो है दाई तरफ है, ठीक दाई तरफ है, तो 3 भी जो है दाई तरफ दिखेगा, और 12 है ऊपर तो 12 दिखेगा नीचे, ठीक है। हमने यहाँ पे 6 लिखा है, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए, मान लीजिए ये डॉटेड घड़ी है, ठीक है, इसमें नंबर्स नहीं पड़े हैं, तो इसमें भी नंबर्स नहीं पड़े होंगे, ठीक है। तो ये सुई तो ऐसे दिखाई देगी 9 और 3 पे, लेकिन कितना बजा हुआ प्रतीत होगा ये पूछा जा रहा है। तो हमें नंबर्स नहीं पड़े हैं और वाटर इमेज में ऐसा दिख रहा है, तो हम इसमें कितना बजा हुआ प्रतीत होगा? मान लीजिए ये सुई 6 पे है,
घंटे की सुई, तो ये 12 पे दिखेगी, तो हमें 12 पे ये सुई दिखती हुई प्रतीत होगी। तो इसलिए हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं, वरना ये 12 जो है नीचे दिखाई देता। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। मान लीजिए कोई भी टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे तो आधार, पहले आधार 12 और 6 के बीच में था, अब ये आधार 9 और 3 हो गया है, तो इसको आधार मान करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई टाइम मान लीजिए ले लेते हैं, 1:40 ले लेते हैं, 1:40। ठीक है, तो 1:40 पे क्या स्थिति होती है घड़ी की? 40 मिनट तब होता है जब सुई 8 पे होती, तो मिनट की सुई तो 8 पे होगी एग्जैक्ट, लेकिन घंटे की सुई ये 1 और 2 के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सुई 40 मिनट का सफ़र तय करेगी, तब तक ये सुई थोड़ा सा और आगे आ चुकी होगी, 1 के ठीक 1 पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब आधार देखिए ये है 3, 3 से एक कितना डिजिट ऊपर है, 1 और 1.5, 1.5 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी, ठीक है, और बाईं तरफ की चीज़ बाईं तरफ रहेगी, दाईं तरफ की चीज़ दाईं तरफ रहेगी, तो ये दाईं तरफ है तो रहेगी दाईं तरफ ही, लेकिन ऊपर है कितना, ऊपर है उतना ही नीचे हो जाएगी, तो 1.5 डिजिट ऊपर है, 1.5 डिजिट नीचे हो जाएगी, तो 1 और 1.5 ये यहाँ पे घंटे की सुई हो जाएगी, और ये मिनट की सुई 8 पे है। ठीक है, आधार से 1 डिजिट नीचे है, 1 डिजिट ऊपर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो कितना बजा हुआ प्रतीत होगा? ये मिनट की सुई है दोस्तों, और ये है घंटे की सुई, छोटा कर देते हैं, घंटे की सुई लगी, तो ये 4:50 लगेगा। ठीक है, 4:50, तो 1:40 जब हो रहा होगा, तो वाटर इमेज टाइम होगा 4:50। तो इसको वाटर इमेज भी कह सकते हैं, और मिरर भी कभी कभी ऐसे हॉरिजेंटली रख दिया जाए तो भी वाटर इमेज की तरह, वो भी रिफ्लेक्शन उसका भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे रखते हैं तो मिरर की तरह रिफ्लेक्शन होता है, दाएं बाएं वाला रूल जो मैंने बताया था वो, लेकिन अगर मिरर को यहाँ पे रख दिया जाए तो वो भी वाटर इमेज की तरह ही उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है सेम। तो यहाँ पे 1:40 का 4:50 शो करेगा, और इसके लिए ये सब पहले की तरह नहीं करना है, घड़ी वड़ी नहीं बनानी है आपको। आपको क्या करना है, फॉर्मूला, इजी ट्रिक आपको, जिससे आसानी से आप तुरंत आंसर निकाल सकें। तो इसमें क्या है, आपको माइनस करना है 18:30 से, कोई भी रियल टाइम दिया गया हो तो उसको 18:30 से माइनस करना है, जब मिनट 30 मिनट से कम हो। ठीक है, और जब मिनट 30 मिनट से ज़्यादा हो तो हमें माइनस करना है 17:90 से। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे 1:40 है, यहाँ पे मिनट जो है 30 मिनट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम किससे माइनस करेंगे, 17:90 से, 17:90 से 1:40 को हम माइनस करते हैं, तो 90 से 40 गया, बचा कितना 50, और 17 से 1 गया, बचा 16। ठीक है, 16, ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट आ रहा है, 16 कितने बजे बजता है 12 घंटे के फॉर्मेट में, 4 बजे। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो 12 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, 12 से माइनस, सॉरी 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 50 हो गया, और ये 16 से 12 गया 4, 4:50 हो गया, ये आंसर आ गया, यहाँ भी 4:50 हम लोगों ने आंसर लाया था। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, अगर 30 मिनट से ज़्यादा है। 18:30 और 17:90 में कोई फर्क नहीं है, देखिए अगर हम 18:30 से माइनस करते 1:40 को, 18:30 से माइनस करते, 30 से 40 जाता नहीं, यहाँ पे एक कैरी लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हम एक कैरी लेते तो पूरा 1 घंटा आता इधर, तो 1 घंटा 60 मिनट होता है, 60 मिनट यहाँ जोड़ेंगे तो 60 30 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 90, और यहाँ एक कम हो जाएगा, तो यानी हो ये हो जाएगा 17, तो इसीलिए 17:90 से हम माइनस करते हैं, अगर मिनट 30 मिनट से ज़्यादा है तो, 30 मिनट से कम है तो हम 18:30 से माइनस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दिया गया है 2:25, 2:25 है, तो 2:25 को हम 18
बच के 30 मिनट से माइनस करेंगे, तो 30 से 25 गया तो बचा 5, और 18 से 2 गया तो बचा 16, यानी 4:05। ठीक है, 4:05। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेंडुलम घड़ियाँ होती हैं उनके सवाल किस तरह से बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, या घड़ियाँ अगर तेज़ या स्लो हो जाती हैं तो उनके सवाल किस तरह से बनते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करी हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।